सेक्स क्यों करना चाहिए इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। सेक्स के अच्छे इफेक्ट्स क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स यानी बहुत बैड चीज, सेक्स यानी गंदा है, उसके बारे में बात नहीं करना है। पति पत्नी सेक्स के बारे में बात करते नहीं है, बच्चे आ गए तो एकदम दूर हो जाएंगे, जैसा कुछ तो भी गंदी बातें कर रहे हैं या गंदगी कर रहे हैं, मतलब इस तरह से सेक्स की तरफ देखा जाता है। एक्चुअली सेक्स जो है वो उसके जो फायदे हैं तो वो जरूरी क्यों, पहले हम देखना पड़ेगा कि वो जरूरी क्यों है। नंबर एक, अपना वंश चलाने के लिए सेक्स की जरूरत है। वंश आगे बढ़ाने का है, क्योंकि सेक्स करते हैं तो बच्चे होंगे और वंश बढ़ेगा, इसलिए आदमी सेक्स क्यों करता है, वंश बढ़ाने के लिए करता है। नंबर दो, शरीर की भूख है, इसलिए सेक्स किया जाता है। जैसा अनाज है, खाना खाने की भूख है, वैसी सेक्स भी भूख है। लड़का जो है वो 12-13 साल में उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और निसर्ग जो है नेचर वो चुप नहीं बैठने देता, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो अंदर से वेव्स आना चालू हो जाते हैं, सेक्स के वाइव्स आना चालू हो जाते हैं, और वो सेक्स करने के लिए उसको उद्युक्त करते रहते हैं। तो एक नेचुरल है, कुदरती है, और वो उसको करना ही पड़ता है। तो इसलिए सेक्स की भूख पूरी करने के लिए सेक्स करना जरूरी है। यदि वो भूख पूरी नहीं होती है तो आदमी कोई बलात्कार करेगा, अत्याचार करेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर तीन, एक दूसरे के प्रति प्यार होता है जब सेक्स करते हैं, तो पति पत्नी का प्यार बहुत ज़्यादा होता है। जो पति पत्नी में प्यार नहीं होता है वहाँ देख लो कि वहाँ सेक्स का अभाव आपको दिखेगा। तो ये तीसरा है। और नंबर चार, लोग एंजॉयमेंट करने के लिए, एक टाइम पास करने के लिए सेक्स करते रहते हैं, कि एक एंजॉयमेंट करना, टाइम पास करना, इसलिए सेक्स करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे सेक्स जरूरत क्यों है, मतलब सेक्स क्यों करना चाहिए, इसके कारण है। पर उसके साथ हमको ये देखना है कि नॉर्मली सेक्स कितने बार करना चाहिए। देखो, शादी जब होती है तो शादी के तुरंत बाद, मतलब 25, 26, 27, 28 जो उम्र है, इसमें होता है कि तुरंत दिन में 24 घंटे में आदमी 2 बार 4 बार कितने भी बार कर सकता है। शादी के पहले साल में बहुत बार सेक्स होता है, 24 घंटे में 2 बार 4 बार कितने भी बार कर सकते हैं लोग। जैसे जैसी मतलब शादी पुरानी होती जाती है, काम बढ़ते जाता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, दिमाग के ऊपर काफ़ी सारा लोड, इससे क्या होता है कि सेक्स के तरफ ध्यान कम जाता है। उतने में बच्चा एकाधा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, तो नेचुरली औरत का भी ध्यान बच्चों की तरफ चले जाता है और सेक्स के तरफ ध्यान रहता नहीं है। नॉर्मल हेल्थ के लिए और नॉर्मल सेक्स मेंटेन रखने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार सेक्स करना जरूरी है। लोग वीकेंड में सेक्स करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे कि जो वीकेंड में सेक्स करते हैं, और फिर वीकेंड में उनको शनिवार रविवार यदि मिलता है तो फिर वो ज़्यादा उस समय सेक्स करना चाहते हैं, तो उस समय फिर वो टेबलेट्स भी लेते हैं। जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं हफ्ते में एक बार, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस कम है, उनमें चांस जो है वो आधा हो जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। ऐसा बोला जाता है कि यूज इट और लूज इट, यदि आप वापरेंगे नहीं तो आप खो बैठेंगे। तो इसलिए सेक्स करना जरूरी है रेगुलरली, नहीं तो यूज इट और लूज इट हो जाएगा। जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनमें हार्ट डिसीज कम पाया गया, क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज है, सेक्स बोले तो एक एक्सरसाइज होती है, उनमें हार्ट डिसीज कम पाया गया। वो लोगों में प्रोस्टेट का कैंसर का इंसिडेंस है वो कम पाया गया है। जो लोग रेगुलरली सेक्स करते हैं उनमें टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी कम पाया गया है। सेक्स में क्या होता है कि फील गुड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, फील गुड हार्मोन से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बॉडीली स्ट्रेंथ अच्छी बन जाती है। कुछ लोग सेक्स का उपयोग इस्तेमाल नींद के लिए करते हैं, नींद आती नहीं है, सेक्स करते हैं उनको नींद आ जाती है, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, उनको नींद आ जाती है। सेक्स से ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। ये जो चूहे जो है, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, उनमें ऐसा पाया गया है कि उनको उद्युक्त किया गया है सेक्स करने के लिए, और जो चूहे बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए। तो ऐसा ब्रेन एक्टिविटी अच्छी रहने के लिए, ब्रेन एक्टिव रहने के लिए भी सेक्स रेगुलर करना जरूरी है। तो ये गुड इफेक्ट्स है सेक्स के, और सेक्स करना कोई बुरा नहीं है, रेगुलरली सेक्स करना अच्छा है। सेक्स यदि नहीं करेंगे या सेक्स को दबाया गया तो नेचुरली, यदि शादीशुदा आदमी है और वो सेक्स वो पत्नी के साथ में ठीक करता नहीं है, नेचुरली उसका उल्टा असर उसके कामकाज के ऊपर होगा, उसका दिमाग बाहर जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में वो उद्युक्त हो जाएगा। इसलिए रेगुलरली सेक्स होना शादी के बाद में भी जरूरी है, और वैसे ही शादी के पहले यदि सेक्स रेगुलरली होता नहीं है, नेचुरली रिलेशनशिप आजकल बहुत लोग करते हैं, मगर रिलेशनशिप नहीं है तो फिर मास्टरबेशन करना
और मास्टरबेशन से सेक्स की शांति कर लेना बहुत ही जरूरी है। मास्टरबेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो मास्टरबेशन करो शादी के पहले, शादी के बाद में रेगुलरली हफ्ते में एक बार सेक्स करो, जो आपको हेल्दी एंड फिट रखेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।